सभी उपस्थित छात्र छात्राएं, आचार्यगण एवं प्यारे बच्चों, भारतीय भाषा महोत्सव 2020 का उद्घाटन करते हुए मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारतीय साधना और संस्कृति का आधार भारतीय भाषा के इन सभी मनुष्यों की उपस्थिति बहुत कुछ संदेश दे रही है। यह महोत्सव इसलिए भी महत्वपूर्ण है, यह वर्ष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती का वर्ष है। साथ ही साथ इस विश्वविद्यालय में हम इस महोत्सव भाषा महोत्सव के आयोजन को संपन्न कर रहे हैं। इस विश्वविद्यालय का यह शताब्दी वर्ष भी प्रारंभ हुआ है। लखनऊ विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष में भारतीय भाषा महोत्सव का आयोजन भारतीयता के प्रति, भारतीय वांग्मयता के प्रति हम सबके भावों को व्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम बनेगा। इस देश में लखनऊ विश्वविद्यालय को और उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान को हृदय से अभिनंदन करता हूं। एक सफल आयोजन के लिए उन्हें मैं हृदय से साधुवाद देता हूं। हम सब जानते हैं कि किसी भी मनुष्य के अभिव्यक्ति का आधार उसकी भाषा हो सकती है। साथ ही साथ एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ जो संवाद बनता है, इसका माध्यम भी भाषा ही होती है। भाषा के बगैर न संवाद स्थापित हो सकता है और न कोई व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति को ही व्यक्त कर सकता है। उस सब के बावजूद ये सब चीजें हमसे अशुद्धि बनी रहती है, हम कहीं ना कहीं उसमें चूक कर देते हैं और फिर एक संकीर्णता वहां से उभर पड़ती है। भारतीय मनीषा तो इस बात को मानती है कि एको हम बहु श्याम। संस्कृत इस सब का आधार है। अगर भारत के अंदर आप जितनी भी भाषाएं हैं, यहां तक कि दुनिया की भी तमाम ऐसी भाषाएं हैं जिनका आधार संस्कृत है, और वहां से निकल करके फिर वह सभी को एक साथ जोड़ने की क्षमता भी रखती है। देश के बड़े भूभाग को जोड़ने का कार्य हिंदी करती है, और इसीलिए अब याद करिए, देश की स्वाधीनता की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में, उनके हाथों में देश की स्वाधीनता का आंदोलन आया, तो उन्होंने एक स्वर से इस बात को बड़ी प्रखरता के साथ कहा। उन्होंने कहा, हिंदी इस देश की राष्ट्रभाषा है। उन्होंने हिंदी को पूरे प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने की वकालत की, पूरे देश का भ्रमण किया, लोगों को उसके माध्यम से जोड़ने का प्रयास किया, और देखते ही देखते जिन अंग्रेजों के बारे में कहा जाता था किनके राज में सूर्य अस्त नहीं होता,
उन अंग्रेजों को भी भारत से अपना बोरिया बिस्तर समेट करके भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक बड़ी ताकत होती है, इस शब्द की ताकत है, जिस भाव के साथ हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं वह किस रूप में है यह उस शब्द की ताकत को बढ़ाता है। और इसीलिए तो भारतीय मनीषा ने शब्द को ब्रह्म कहा है, क्योंकि ब्रह्म सत्य है और सत्य है तो स्वाभाविक रूप से शाश्वत भी है। भाषा के शाश्वत स्वरूप को पहचानना और उसके अनुरूप लोगों के लिए सुलभ बना देना, वह एक अमरकृति बन जाती है। जहां पर भी शब्द के इस ब्रह्म के तत्व को समझने का प्रयास हमारे साहित्यकारों ने किया है वहां पर वह शब्द ब्रह्म बनकर के शाश्वत बन गया। एक सामान्य व्यक्ति के मन में एक भावना फूटती है, अचानक उसके मुंह से एक श्लोक फूट पड़ता है और दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य रामायण के रूप में रच डालता है। एक लंबी कहानी है साहित्य की, और हम भारतवासियों को इस बात पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि दुनिया को साहित्य का पाठ तो हम लोगों ने पढ़ाया है। ऋग्वेद दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ भारत देता है, लौकिक संस्कृत का सबसे बड़ा दुनिया का महाकाव्य भारत ने दिया है, महाभारत के रूप में एक ऐसा पवित्र ग्रंथ भी भारतीय मनीषा देती है। इस बात को पूरी दमदारी के साथ कहने का साहस करती है कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष जो चार मानवीय पुरुषार्थ हैं, इनसे संबंधित जो कुछ भी इस धरती पर है वह इस ग्रंथ में है, और जो इसमें नहीं वो दुनिया में अन्यत्र कहीं नहीं। ये केवल भारतीय मनीषा ही इस बात की दावा कर सकती है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के माध्यम से वह कुछ दे सब कुछ दे दिया। रामचरितमानस तो अवधि में, लेकिन भक्ति के माध्यम से देश की स्वाधीनता की शक्ति को जगाने की कितनी ताकत रामचरितमानस ने दी वह किसी एक बंधन में नहीं बंधा। हिंदी में है, संस्कृत में है, तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ है, कुछ नहीं। अवधि को भले ही भारत के संविधान ने मान्यता न दी हो, लेकिन रामचरितमानस को तो भारत का जन जन समर्थन देकर के रामचरितमानस का पाठ करता है अपने घरों में। यह है भारत की ताकत, और यह वास्तविक ताकत, इस वास्तविक ताकत को पहचानने की आवश्यकता है। मेरा यह मानना है कि आज भी हम अपने आप को पहचानने में भूल कर रहे हैं। मेरा यह मानना है हमारी हर भाषा रोजगार का एक बहुत बड़ा माध्यम भी है। लोग कहते हैं संस्कृत में को रोजगार के साथ जोड़ो, ये भारत का ऋषि बहुत पहले जोड़ चुका है। मेरा ये मानना संस्कृत पढ़ने वाला व्यक्ति कभी भूखो नहीं मर सकता, कभी नहीं मर सकता, बशर्ते वह अपनी बुद्धि का प्रयोग सही ढंग से कर दे। आखिर एक संस्कृत का पुरोहित का कार्य करने वाला व्यक्ति जाता है, पुरोहित का काम करता है, लोग उनका पैर भी छूते हैं, दक्षिणा भी देते हैं और सम्मान भी बढ़ाते हैं। इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है। लेकिन हमने उस ताकत को समझने का प्रयास ही नहीं किया। हम लोगों ने छोटा सा उदाहरण प्रस्तुत किया, काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर के
सुंदरीकरण की एक बड़ी कार्य योजना प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ है। वर्षों से तमन्ना थी लोगों की, मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक ऑडियो दिया था, 100 वर्ष पहले गांधी जी आए थे, 1916 में गांधी जी आए थे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में, और उस समय उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान समय निकाल करके काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए गए। आज से 2 वर्ष पहले अगर आप भी काशी भगवान विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते तो बहुत संकरी गलियों से आपको जाना पड़ता है, बामुश्किल 5 फुट की संकरी गलियां थी, कहीं से भी आप आते थे 5 फुट के दायरे से होकर के आपको मंदिर में जाना होता था। गली होगी, भीड़ होगी तो गंदगी होगी, क्योंकि आबादी के बीच से गलियां थी, और एक आदत लोगों की बन चुकी होती है कि अपने घर का कूड़ा कोई और जगह मिले ना मिले लेकिन सड़क तो खाली पड़ी होती है, ऊपर से उठा के फेंको नीचे, तो गलियों में और गंदगी का ढेर होता था। हो सकता 100 साल भी पहले ऐसे ही रहा होगा, क्योंकि जब गांधी जी गए काशी विश्वनाथ मंदिर में तो उन्होंने बहुत तीखी टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा कैसे हिंदू है, कैसी गलियां हैं, कितनी गंदगी फैला रखी है, मक्खियां भिनभिना रही हैं, कीचड़ है। आप सोचिए 100 साल पहले काशी की आबादी इतनी नहीं रही होगी जितनी आज है, लेकिन तब भी ये स्थिति थी, और वही ऑडियो प्रधानमंत्री जी ने उपलब्ध कराया, कहे गांधी जी की बातों को सुनो। क्या कह रहे हैं गांधी जी और क्यों कह रहे हैं, क्या 100 साल के बाद कोई अंतर आया है? देश की आजादी के 70 वर्ष के बाद भी कोई अंतर दिखाई दे रहा है? हम पहले मान सकते थे 1947 से पहले यह देश गुलाम रहा होगा, उन 41 वर्षों को छोड़िए, आगामी 100 वर्ष के आगामी 70 वर्षों में क्या किया है आप लोगों ने? तो बहुत ध्यान से हम लोगों ने सुना, बड़ी कार्य योजना तैयार की गई, लेकिन मैं जानता था कि काशी में कार्य करना, विद्वानों के बीच में कोई काम करना तो बहुत कठिन काम होता है, मुंडे मुंडे मतर भिन्ना वाली स्थिति हो जाती है, 10 लोगों के 10 अलग अलग भाव होते हैं, उनकी दृष्टि अलग अलग होती है, उनके भाव अलग अलग होते हैं, लेकिन हम लोगों ने इसको चैलेंज के रूप में लिया और हम लोगों ने तय किया कि हम संवाद बनाएंगे, इस समस्या का समाधान भी करेंगे। तीन 300 मकान खरीदे गए, शुरू में आंदोलन हुआ, आज आप जाएंगे काशी विश्वनाथ मंदिर में आपको 5 फीट नहीं 50 फुट चौड़ा रास्ता मंदिर में जाने के लिए मिलेगा, और अभी डेढ़ वर्ष के बाद जब काशी विश्वनाथ धाम की परिकल्पना जो प्रधानमंत्री जी ने की है वह पूरी होगी, तो आप देखना कि स्वतंत्र भारत का भगवान विश्वनाथ का एक ऐसा पवित्र धाम न केवल काशी वासियों के लिए बल्कि दुनिया वासियों को मिलेगा, जो वास्तव में जिसके अनुरूप भगवान विश्वनाथ के धाम को होना चाहिए। उसका एक पक्ष ये, उसमें कई मंदिर निकले हैं, 67 मंदिर निकले हैं जो मकान लोगों ने बनाए थे, उन मकानों के अंदर ही उन सबको हम संरक्षित कर रहे हैं। काशी महात्म में काशी के बारे में जो कुछ भी हैं, जिनके बारे में लोग कहते थे कि मंदिर टूट गए हैं समाप्त हो गए हैं, कोई टूटा टूटा नहीं है, वे सब सुरक्षित हैं और उन सभी का हम संरक्षण करने जा रहे हैं। एक पक्ष इसका ही है,
लेकिन दूसरा पक्ष जो लोग सबसे ज्यादा परेशान होते हैं और वह इस बात को लेकर के कि मंदिरों में जाते हैं लोग जबरदस्ती हाथ पे रक्षा सूत्र बांध करके फिर पंडागिरी से भी लोग बहुत परेशान होते हैं और अक्सर इसके बारे में लोग बहुत शिकायत करते हैं। तो हम लोगों ने कहा जब काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में बड़ी कार्य योजना बनी है तो इस प्रकार की प्रवृत्ति से भी मुक्ति कैसे मिलनी चाहिए, यह कार्य भी होना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने एक ट्रेनिंग सेंटर वहां स्थापित किया। हमने कहा भी देखो कोई भी पंडा कोई भी पुरोहित अपने अनुसार पूजा नहीं करेगा, हम यहां पर एक सुगम दर्शन का एक स्थान खोल रहे हैं, सबका यहां रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और इस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से हर एक व्यक्ति को हम अवसर देंगे कि अगर कोई श्रद्धालु स्वयं दर्शन करना चाहता है वो चाहे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोई चाहता है कि मुझे रुद्राभिषेक करने के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्रों में दर्शन कराने के लिए योग्य गाइड चाहिए तो वह गाइड का भी काम करे, वह व्यक्ति रुद्राभिषेक भी करा ले, वह व्यक्ति पूरा वहां की दर्शन भी करवा लें और दर्शन करवाने के साथ साथ प्रसाद भी लेकर के जाए। पैसा वह व्यक्ति किसी भी श्रद्धालु से नहीं लेगा, पैसा तो रजिस्ट्रेशन के समय सुगम में दर्शन काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट एक बार रजिस्ट्रेशन करवा लेगा, बाकी उसको कुछ नहीं करना। वह व्यक्ति जाएगा वहां दर्शन भी करवाएगा पूजा भी करवाएगा फिर श्रद्धालु को प्रसाद देकर के विदा भी करेगा। एक निश्चित कार्य योजना बनी। पहले चरण में हम लोगों ने 30 लोगों को रखा और 30 लोगों को रखने के बाद यह हुआ कि भाई 30 जो यहां पर पुरोहित का काम करते थे इन लोगों को एक ट्रेनिंग दिला दो, हिंदी बोलते ही थे, संस्कृत का अभ्यास उनको करवाया गया, थोड़ा अंग्रेजी भी बोलना सिखाया गया और इसके बाद उनसे कहा गया कि कार्य प्रारंभ। पहले महीने में सशंकित था कि भाई 30 लोग ले तो लिए गए, लगता पैसा इनको हम लोगों को अपने पास से देना पड़ेगा। लेकिन आश्चर्य करेंगे जो पंडागिरी से पुरोहित्य से जो व्यक्ति 5,000-10,000 कमा पाता था, जिस व्यक्ति ने सबसे कम कमाया वो कमाया था 30,000 रुपया और जिसने मेहनत ठीक ढंग से की वो कमाया था 1.5 लाख रुपया एक महीने। आज 100 से ज्यादा ऐसे गाइड हैं काशी विश्वनाथ मंदिर में जो सुगम में दर्शन के भाव के साथ वहां रजिस्टर्ड हैं और उसके माध्यम से वे लोग पूजा भी कराते हैं, मंदिर में दर्शन भी करवाते हैं और श्रद्धालु को प्रसाद भी देते हैं। कहीं कोई जबरदस्ती नहीं है, किसी के साथ किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, ये अपने आप में रोजगार का एक नया स्रोत वहां से प्रारंभ हो चुका है। एक नई पद्धति, हर एक मंदिर में संभावना है। दूसरा वहां पर कार्य किया गया, मंदिरों में पुष्प चढ़ाते हैं लोग, पुष्प एक समय के बाद भगवान को कितना पुष्प आप चढ़ाएंगे, पुष्प से ढक तो नहीं जाएंगे, फिर एक बार आपको हटाना ही है तो हटाने के बाद अक्सर क्या होता है जो पुजारी होता है वह पुष्प उठा करके फेंकता है और सफाई के चक्कर में कभी सड़क पर फेंक देता है, कहीं कोई कुआं है कोई नाली है कोई नदी है इसमें फेंकता है, यानी जहां फेंक रहा है वहां कोई भला नहीं होने वाला है क्योंकि उस पुष्प को तो सड़ना है। सड़क पर फेंकेंगे तो पैरों से रोदा जाएगा, कुएं में फेंकेंगे तो गंदगी होगी, पुष्प सड़ेंगे तो कुएं का जल भी बदबू करेगा, नदी में फेंकेंगे तो वहां भी उसकी सड़न पैदा होगी। ये हुआ कि भाई इसको कुछ नया कार्य करिए। पूछा गया है भाई अगरबत्ती कहां से आती, पता लगा वियतनाम से। भारत में अगरबत्ती का सबसे बड़ा जो निर्यातक देश है कौन है, वियतनाम। वियतनाम अपने आप में बौद्ध राष्ट्र है लेकिन अगरबत्ती सप्लाई करता है भारत में। यह अगरबत्ती भारत के अंदर क्यों नहीं बन सकती,
हम लोगों ने चंदौली का एक गांव चिन्हित किया, एक नक्सल बाहुल्य गांव था। कभी इस गांव में नक्सली गतिविधियां थी, आज शांति है। तो हम लोगों ने वहां की महिलाओं को चुना। ये व्यवस्था हुई कि मंदिर के जितने पुष्प होंगे हम वहां पहुंचाएंगे और इस पुष्प से इत्र बनाने का काम, धूप और अगरबत्ती बनाने का काम, और जो शेष वेस्ट बनेगा उससे कंपोस्ट बनाने का काम गांव के लोग करेंगे, गांव की महिलाएं करेंगे। और प्रत्येक महिला इससे भी 9,000 से लेकर 15,000 रुपए कमा रही है उस गांव में। यानी एक भाषा केवल संस्कृत से ही, संस्कृत के बारे में जानकारी ले ली, हिंदी के बारे में जानकारी ले ली, थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोलचाल की भाषा के रूप में अपना लिया, तो हम एक देव मंदिर को इतने लोगों के रोजगार का माध्यम बना सकते हैं। और ऐसे ही पूरे देश में भी, पूरी दुनिया में भी, आज दुनिया के ज्यादातर विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो विश्वविद्यालय अपने यहां संस्कृत को या हिंदी को पढ़ाने का प्रयास करना चाहते हैं, लेकिन योग्य लोग चाहिए, अच्छे शिक्षक चाहिए, या दुनिया में शिक्षकों की कमी है। दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां बुजुर्गों की संख्या ज्यादा हो गई, युवाओं की संख्या कम, और हम सब सौभाग्यशाली हैं, हमारे यहां बुजुर्गों की संख्या अभी कम है और जवानों जवानों की संख्या ज्यादा है। दुनिया का सबसे युवा देश है भारत, और उसमें सबसे युवा प्रदेश है उत्तर प्रदेश। यानी एक उस अपने सौभाग्य को लेकर के आगे बढ़ना। अगर हमारे विश्वविद्यालय, हमारे महाविद्यालय केवल भाषा के बारे में ही जानकारी देना प्रारंभ कर देंगे, भाई योग्य शिक्षक, अभी हम लोगों ने एक परीक्षा दी थी, हमें शिक्षकों की आवश्यकता है। आश्चर्य करेंगे, 70% लोग जिन्होंने बीएड किया था, बीटीसी किया था, फेल हो गए। यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा में भी फेल हो गए। अगर आप टीटी में ही पास नहीं हो पा रहे हैं, शिक्षक बनेंगे कैसे? लेकिन दुनिया के अंदर बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां टीटी की आवश्यकता नहीं, टीटी पहले यहां भी नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई एक शिक्षक पात्रता की परीक्षा आवश्यक है, उसके अनुसार परीक्षा प्रारंभ हो गई। लेकिन दुनिया के अंदर एक तो पहले अपने आप को तैयार करना, जिस कोर्स को हम देख रहे हैं उसको पूरी तन्मयता के साथ उसकी तैयारी करना, उसके लिए अपने आप को योग्य बनाना। और फिर दुनिया के अंदर कौन सा देश ऐसा है जहां पर योग्य शिक्षक चाहिए? सब कुछ तो वही है, साइंस वही है, मैथ्स वही है, या अन्य किसी भी क्षेत्र में आप जाना चाहेंगे सब कुछ वही है, केवल वहां की एक लैंग्वेज आप सीख लें, वहां की भाषा का ज्ञान आपको हो जाए, तो आप देश में भी और दुनिया में भी, या भारत के लोगों को भी, अपने देश में उत्तर प्रदेश के लोगों को मराठी क्यों नहीं सीखनी चाहिए, तमिल और तेलुगु क्यों नहीं सीखनी चाहिए? हमारे अरुणाचल प्रदेश से आए हैं, हिंदी के विद्वान हैं। आप जाइए, आज से 15 साल 25 साल 30 साल पहले पूर्वोत्तर के भारत में, मध्य भारत में, पश्चिमी भारत में जितने भी शिक्षक गए हैं सब उत्तर प्रदेश से गए हैं। उत्तर प्रदेश उसका केंद्र बिंदु था और उत्तर प्रदेश से ही सारे शिक्षक गए हैं। आप मध्य प्रदेश में आज भी चले जाइए, आप राजस्थान चले जाइए, हरियाणा पंजाब चले जाइए, आप अरुणाचल और असम में चले जाइए, बड़ी संख्या में आपको उत्तर प्रदेश से मूल के जुड़े हुए शिक्षक दिखेंगे। एक समय के साथ वे गए, आज जब वहां पीढ़ी खड़ी हो गई, वह स्वयं अपने पैरों पर खड़े होकर के अच्छी दिशा में आगे बढ़ी है। लेकिन हम उस प्रतिस्पर्धा में अपने आप को पीछे क्यों छोड़ दिए? भाषा को उसका माध्यम बनना चाहिए। और मैंने पिछले दिनों इसी बात को लेकर के लखनऊ में अरबी फारसी उर्दू विश्वविद्यालय को भी इसी बात को लेकर कहा। मैंने कहा भी समग्रता के साथ सोचिए, उर्दू
फारसी या अरबी को ही क्यों, क्यों सभी संपूर्ण भारतीय भाषाओं का अध्ययन केंद्र नहीं बन सकते, भाषा विश्वविद्यालय क्यों नहीं बन सकता है, भाषा विश्वविद्यालय के रूप में इसको स्थापित कर, उसमें उर्दू भी हो, अरबी भी हो, फारसी भी हो, भारत की सभी भाषाएं हो और इन सब का एक केंद्र बिंदु बनकर के उभरे। विश्वविद्यालयों में भी हमें इस प्रकार की व्यवस्था देनी पड़ेगी, दुनिया की मांग के अनुरूप अपने यहां उस प्रकार के एक पाठ्यक्रम को तैयार करके फिर उसकी डिमांड के अनुसार सप्लाई की चेन तैयार करनी पड़ेगी, तब आप आगे बढ़ पाएंगे, प्रतिस्पर्धा में तब हम खड़ा हो पाएंगे और उस दृष्टि से अपने आप को तैयार करना। हर एक क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना साकार होगी कैसे, अगर हम भाषाओं से ही परहेज करेंगे। भाषाएं एक माध्यम है लेकिन भाव तो सबके एक है और वह भाव है भारतीयता के। भारत के अंदर रहने वाला हर नागरिक भारत के एक नागरिक के रूप में भारत की सभी भाषाओं का सम्मान करते हुए और फिर उन संभावनाओं को देखें जो भारतीय संस्कृति को समृद्धि की ओर अग्रसर करते हुए भारत के अंदर भारत की भाषाओं के माध्यम से ही हम उन भावों को आगे बढ़ा सकें जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के उस लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक हो सके। और यह संभव है, विश्वविद्यालयों को इसका केंद्र बिंदु बनना पड़ेगा, उस दिशा में अपना कार्य प्रारंभ करना पड़ेगा और वह कार्य हो सकता है। हिंदी किसी की विरोधी नहीं हो सकती, यह भी नहीं, देश की आजादी के आंदोलन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने प्रमुखता के साथ हिंदी को माध्यम बनाया था। आज भी वैश्विक स्तर पर आप देखते होंगे लोग आते हैं, अब हमारे पास बहुत सारे देशों के राजदूत आते हैं, शुरू शुरू में आते थे तो अनिवार्य था उनके साथ अंग्रेजी में संवाद बनाना, लेकिन अब जब हम लोगों ने भी ये शुरू किया कि नहीं हम हिंदी में संवाद बनाएंगे तो वो भी हिंदी सीख रहे हैं, अब ये हिंदी के संवाद के साथ हमारे साथ बातचीत करने के लिए आते हैं। अब ये बाध्यकारी समाप्त हो गई और मुझे लगता है कि यह एक नई शुरुआत है। आपने देखा होगा वैश्विक मंच पर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी खोल करके हिंदी का प्रयोग करते हैं, दुनिया के अंदर जाकर के 50-50 हजार 1-1 लाख के जन सैलाब को दुनिया में हिंदी से संबोधन, हिंदी संबोधन के माध्यम से उनके द्वारा जो मार्गदर्शन किया जाता है कितना भावनात्मक रूप से पूरी दुनिया भारत के साथ जुड़ती है। आज ये बंधन समाप्त हो गए लेकिन इसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा, स्वयं तैयार होना पड़ेगा, साहित्य से जुड़े हुए मनुष्यों को इस दिशा में अपने स्तर पर प्रयास करना पड़ेगा और मुझे लगता है कि एक अच्छा कार्य हो सकता है। डॉक्टर राजनारायण शुक्ल जी ने एक नया प्रयास प्रारंभ किया है भाषा संस्थान के माध्यम से, वे इस क्षेत्र में रुचि रखने वाले अध्येता है, विगत वर्ष भी उन्होंने जेएनयू में जाकर के इस प्रकार का सम्मेलन किया था और इस बार लखनऊ में लखनऊ विश्वविद्यालय इसका केंद्र बिंदु बन रहा है और मैं मानता हूं कि लखनऊ विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष की एक उपलब्धि होगी, क्योंकि हमारा जो युवा है इसको एक समय के बाद अपने उज्जवल भविष्य के लिए रोजगार और जीवन के उज्जवल भविष्य के लिए आर्थिक स्वावलंबन का मार्ग दिखना चाहिए और उसका माध्यम बहुत कुछ हो सकता है, अलग अलग क्षेत्र हो सकता है, अलग अलग फील्ड के अलग अलग दायरे हो सकते हैं। हम पाठ्यक्रम लेते समय ही उसको इस बात के लिए तैयार कर सके कि वह अपने सामान्य पाठ्यक्रम के साथ साथ दुनिया में कहां उसके लिए अच्छा होगा कि जहां उसको भेज सकेंगे वहां जाकर के वह अपने पैरों पर खड़ा होकर के न केवल आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर हो अपितु तो
भारत के समृद्धि में भी योगदान दे सके, इस दृष्टि से हमें उसको स्वयं भी तैयार करना है। और विश्वविद्यालयों को शुरू से ही, हमारे संस्थानों को प्रारंभ से ही इस बात को लेकर के अपने आप को तैयार करना होगा। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि लखनऊ विश्वविद्यालय अपने शताब्दी वर्ष में इस प्रकार के आयोजन से दिखने के लिए छोटा सम्मेलन हो सकता है, क्योंकि भाषा तो दो ही अक्षरों से मिलकर के बना है, लेकिन इसके भाव बहुत विराट हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। उस विराट भाव को अपने जीवन में अंगीकार किए जाने की आवश्यकता है, और यह एक अवसर होगा जब लखनऊ विश्वविद्यालय इस दिशा में नया प्रयास प्रारंभ कर सके। भाषा संस्थान के साथ मिलकर के उन्होंने यह कार्यक्रम प्रारंभ किया है। बहुत सारी चीजें हैं जिस पर और भी महत्वपूर्ण तरीके से कार्य किए जा सकते हैं। अपने युवाओं के लिए इस बार सरकार ने दो स्कीम नई लागू की है, एक इंटर्नशिप की, और विश्वविद्यालयों को देखना चाहिए कि प्रदेश सरकार की इस इंटर्नशिप की इस स्कीम से हमारे युवा कैसे लाभान्वित हो सकते हैं। ये इंटर्नशिप की स्कीम वह देश के और दुनिया के अंदर उनकी स्किल के लिए एक मंच का काम करेगा। दूसरा, हर एक जनपद में एक यूथ हब के निर्माण की दिशा में प्रयास प्रारंभ करना, हमें उस दिशा में भी प्रयास करना चाहिए। बहुत अच्छे कार्य इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। एनसीसी के हमारे कैडेट्स यहां पर हैं, एनसीसी और एनएसएस के जो हमारे स्वयंसेवक हैं, इनको भी अगर हम लोग वेलनेस सेंटर में थोड़ी भी पारंगत कर सके तो पूरी दुनिया टूट पड़ेगी भारत के अंदर हेल्थ केयर के फील्ड में, हेल्थ टूरिज्म में बहुत अच्छा स्कोप इनके लिए बन सकता है। और मुझे लगता है कि कुलपति जी स्वयं इस फील्ड के विशेषज्ञ हैं, वो स्वयं भी इस बारे में उन्होंने अपनी कार्य योजना को आगे बढ़ाने की का प्रयास किया होगा। और यह शताब्दी वर्ष के प्रारंभ का एक बड़ी उपलब्धि विश्वविद्यालय के लिए हो सकती है कि भाषा संस्थान के साथ मिलकर के हम एक अच्छी दिशा में बढ़ सके। नेक एक्रेडिटेशन के बारे में भी इस शताब्दी वर्ष में विश्वविद्यालय को अपनी कार्य योजना को आगे बढ़ा देना चाहिए। हम लोगों की भी हार्दिक इच्छा है, जिस विश्वविद्यालय ने देश की अनेक विभूतियों को और अलग अलग फील्ड की विभूतियों को आगे बढ़ाया हो, उन सबको आदर्श के रूप में रख करके अपनी वर्तमान पीढ़ी को उस दिशा में बढ़ने के लिए हम प्रेरित कर सके, एक अच्छा प्रयास होगा। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय को शताब्दी वर्ष के अवसर पर अपनी हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। भाषा संस्थान और लखनऊ विश्वविद्यालय ने भारतीय भाषा महोत्सव के इस कार्यक्रम को यहां पर आयोजित किया है। यह भाषा महोत्सव देश और दुनिया से आए हुए इन सभी साहित्य क्षेत्र से जुड़े हुए मनुष्यों के साथ मिलकर के किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुंच करके भाषा को हम अपने लिए बोझ न बना करके, बल्कि भाषा संवाद के साथ साथ आर्थिक स्वावलंबन का भी एक सशक्त माध्यम बन सकता है, इस भावों को आगे बढ़ाने में हम सफल होंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।